हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 15G के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म 15G को ऑफलाइन फिलअप कर सकते हैं और अपने पीएफ के पैसों को बिना टीडीएस के ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्म 15G फिल करने से पहले दोस्तों आपको इस कंडीशंस को जान लेना ज़रूरी है। अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो तभी आपको 15 फॉर्म नंबर 15G को भरना होगा। अदरवाइज़ आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो आपको इस फॉर्म को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपने किसी कंपनी या किसी भी जगह 5 ईयर्स से पहले ही काम अपना छोड़ दिया है और अपना पीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तभी आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने से दोस्तों आपको क्या होगा कि आप, ये सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके लिए कि आपका आपके जो भी अमाउंट पीएफ है या पेंशन है उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा दोस्तों। आपके पीएफ अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, टीडीएस टैक्स नहीं कटेगा। इस फॉर्म को फिल करने का सही तरीका क्या है तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो नेम ऑफ द एसएससी डिक्लेरेंट, जो अप्लाई जिसके नाम से आपको पीएफ है, अमाउंट है, उसी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। एप्लीकेंट का नेम, नेम ऑफ एसएससी में आप यहाँ पर नेम डाल दीजिए जिसके नाम से पीएफ है। देन उसके बाद आपको पैन ऑफ द एसएससी, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका पैन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उनका नेम भी एज पर पैन कार्ड होना चाहिए। देन आपको दोस्तों यहाँ पर स्टेटस थर्ड कॉलम मिलेगा स्टेटस का। स्टेटस में दोस्तों आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डालना होगा। देन फोर्थ कॉलम में आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। प्रीवियस ईयर मीन्स दोस्तों आपको इस साल का 2020 to 2021 ये यहाँ पर आपको डालना होगा दोस्तों। यहाँ पर रेजिडेंट, फिफ्थ कॉलम दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों आपको रेजिडेंट डालना होगा। यहाँ पर कॉलम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस यहाँ 6 कॉलम से लेकर आपको 12 कॉलम तक अपना एड्रेस डालना होगा दोस्तों। देन आपको यहाँ पर 13 कॉलम में अपना ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ पर 14 कॉलम में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर 15 कॉलम में आप देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये वेदर द एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या आप 1961 टैक्स के एक्ट के तहत दोस्तों क्या आपने कभी अपना इनकम टैक्स फाइल किया है। अगर आपने कभी भी अपना इनकम टैक्स भरा है तो दोस्तों यहाँ पर यस क्लिक कीजिए। इफ़ यस, लेटेस्ट असेसमेंट फॉर द विच असेस्ड, और आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे तो आपको उस ईयर, जिस ईयर में आपको आपने टैक्स पेड किया था दोस्तों, उस ईयर में यहाँ पर डालना होगा। अगर आपको टैक्स पेड करने के एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। देन दोस्तों आपको कॉलम नंबर 16 में एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पर आपको इस कॉलम में दोस्तों आपके पीएफ के एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर दोनों के इनकम का आपने पासबुक में देखकर टोटल कर यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट पीएफ का है उसी को यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। देन 17 कॉलम दोस्तों एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर विच फॉर द पास्ट ईयर इन विच इनकम मेंशन इन द कॉलम नंबर 16 टू बी इंक्लूडेड। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर की अपनी जितनी इनकम है और यहाँ पर 16 कॉलम में आपने जितना पीएफ का टोटल अमाउंट लिखा है दोनों को आप यहाँ पर प्लस कर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका पीएफ है 50,000, पीएफ के आपका टोटल इनकम है दोस्तों 50,000, देन आपकी एनुअल इनकम है दोस्तों पास्ट ईयर के 1 लाख, तो आपको टोटल 50,000 प्लस 1 लाख, टोटल 1,50,000 अमाउंट डालना होगा। देन दोस्तों कॉलम नंबर 18, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर इफ एनी। अगर आप दोस्तों इससे पहले भी आप कहीं पर भी फॉर्म 15G को सबमिट किए हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक में सबमिट किया है, कहीं पर भी आपने इससे पहले इस फॉर्म को फिल करने से पहले और इससे पहले भी आपने फॉर्म 15G को कहीं पर सबमिट किया है तो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फाइल, आपने कितने बार फॉर्म फिल किया है 15G कहीं पर भी उसको यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फाइल, आपने जिस जगह भी फॉर्म नंबर 15 फिल कर जो इनकम डाली है दोस्तों सब अमाउंट को प्लस कर आपको यहाँ पर उसका टोटल डाल देना होगा। देन दोस्तों 19 कॉलम, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड,
दोस्तों आपको यहाँ पर सीरियल नंबर में वन डालना होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड एक्सेट्रा। आपको यहाँ पर दोस्तों अपना यूएएन नंबर और पीएफ नंबर डालना होगा। नेचर ऑफ इनकम दोस्तों आपको यहाँ पर पीएफ विड्रॉल डालना होगा। देन आपको एक सेक्शन के अंदर अंडर आता है, पूछ रहा है दोस्तों सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल 190A। यहाँ पर आपको सेक्शन 190A में डालना होगा। यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम आपका टोटल अमाउंट जो कॉलम नंबर 16 में आपने फिल किया था दोस्तों यहाँ पर वही यहाँ पर आपको डालना होगा। देन दोस्तों आपको सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, आपके यहाँ पर एक सिग्नेचर लेना होगा। देन आपको यहाँ पर IV ये अपना नाम डाल दीजिए। देन दोस्तों आपको यहाँ पर चार कॉलम दिख रहे हैं, ब्लैंक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों 31 मार्च टू 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से शुरू होता है दोस्तों 31 मार्च को एंड होता है। तो प्रीवियस ईयर मीन्स दोस्तों 2021, तो आपको यहाँ पर 31 मार्च 2021 डालना होगा। देन रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर दोस्तों आपको वन ईयर प्लस करके डालना होगा, 2021 to 2022 डालना होगा। देन फिर दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर फिर वही पूछ रहा है दोस्तों, आपको 31 मार्च 2021 डालना होगा। देन आपको असेसमेंट ईयर वही पूछ रहा है दोस्तों, फिर 2021 to 2022 डालना होगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अपने प्लेस पर अपने प्लेस का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, यहाँ पर फिर सिग्नेचर कर दीजिए। देन दोस्तों आपको इस फॉर्म का पार्ट टू दिखेगा, इस पार्ट टू को आपको फिल नहीं करना है, पीएफ डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे दोस्तों। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए फॉर्म को। देन दोस्तों आपको इस पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इसमें पूरे फॉर्म को स्कैन कर PDF में कन्वर्ट करना है दोस्तों। देन आप कभी भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करेंगे दोस्तों फॉर्म 19 में आप अपना PF क्लेम करने के लिए जाएंगे तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म 15G अपलोड करने का, वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए इस फॉर्म को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा दिखा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।